जय हिंद नमस्कार साथियों। देखिए बड़ी खबर आ गई है आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए। तो डीजीटी की तरफ से देखिए 3 जनवरी को एक बड़ी नोटिस यहाँ निकाली गई है। और बात करने वाले हैं यहाँ पे हम जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस हुए हैं या फिर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट से रिलेटेड, यहाँ बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोग के रिजल्ट कब दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, ईडी और प्रैक्टिकल का देखिए बिल्कुल यहाँ पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ पूरा शेड्यूल दे दिया गया है ईडी और प्रैक्टिकल का, आप लोग का कब होने वाला है ईडी और प्रैक्टिकल, पूरा यहाँ पे हम पूरा अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वीडियो में। आप लोग अंत तक शुरू से लास्ट तक बिल्कुल चिपके रहिएगा ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल सके। दो डेट्स देखिएगा, तो यहां पे दो डेट्स में आप लोग को जो है रिजल्ट जारी करे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, एक रिजल्ट जो है पेंडिंग रिजल्ट जो है 21 जनवरी को जारी किया जाना है, और एक रिजल्ट जो है यहां पे देखिए रिजल्ट डिक्लेरेशन एआईटीटी यहां देखिए 8 मार्च को भी डिक्लेयर किया जाना है। तो दो दो डेट्स में रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो यहां पे क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों को हम अच्छे से समझाने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और यहां पे देखिए, आप लोगों के लिए एक और भी अपडेट हमने आज के डेट में ही पोस्ट किया है, यहाँ पे देख पाइएगा। तो डीजीटी ने भी एक और लेटर जारी किया था सेम 3 तारीख की डेट में, जहाँ की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2022 बैच के लिए यहाँ पे अपडेट है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तमाम भर्ती या फिर जो है जॉब अप्रेंटिस लेटर पे चैनल पे मिलता रहता है अपडेट। 9 तारीख को अप्रेंटिसशिप मेला है ऑल ओवर इंडिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या अपडेट आई हुई है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डीजीटी की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। जितने भी स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज है या फिर रीजनल डायरेक्टर हैं, उन सभी को ये लेटर भेजा गया है। और सब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है, मतलब एआईटीटी सप्लीमेंट्री नवंबर 2022 प्रैक्टिकल एंड ईडी एग्जामिनेशन फॉर सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ऑफ एनुअल सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम। गाइज कहने का मतलब है कि जितने भी सेमेस्टर सिस्टम के कैंडिडेट्स हों या फिर जो है एनुअल सिस्टम के कैंडिडेट्स हो, उन सबके लिए यहाँ पे नोटिस है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए साथियों, यहाँ साफ साफ बोला गया है कि 18/2/2022 को, मतलब 18 फरवरी को एक लेटर जारी किया गया था सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जहाँ की कौन कौन से एग्जामिनेशन हुए थे। देखिए 18-19 या 18-20 का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कैंडिडेट्स, 19-20 सेशन या फिर 19-21 सेशन के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कैंडिडेट, और यहाँ पे 20-21 सेशन और 20-22 सेशन के फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट, इन सभी का जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हुआ था। साथ ही साथ देखिएगा तो यहाँ पे 20-21 या फिर 20-22 फर्स्ट ईयर कैंडिडेट का रेगुलर एग्जामिनेशन भी हुआ था, ठीक है। और सप्लीमेंट्री के पेपर हुए थे इन सभी के, ये सारे बैच के 18-20 फिर या फिर 19-21 सेशन इन सभी का, और लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग भी थे, उन लोगों का भी पेपर हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये एग्जामिनेशन हुआ था आप लोगों का, और यहां पे आप लोगों के ईडी के एग्जामिनेशन हुए थे, प्रैक्टिकल के भी एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है। तो अभी देखिए, इन लोगों का कुछ बच्चे ऐसे थे, समझिएगा बात को बिल्कुल गहराई से समझिएगा, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका की पेपर, ठीक है, जिनका की पेपर मार्च अप्रैल के टाइम में जो आपका ईडी और जो प्रैक्टिकल हुआ था उस टाइम में सप्लीमेंट्री में वो कैंडिडेट्स दिए थे एग्जामिनेशन, कुछ रेगुलर में भी यहाँ पे 20-21 सेशन वाले कैंडिडेट्स दिए थे। अभी यहाँ पे इन लोगों का ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, ठीक है। आप लोग अगर इसमें अगर आप लोग भुक्तभोगी होंगे, आपको पता होगा कि ईडी प्रैक्टिकल के रिजल्ट अब तक पेंडिंग पड़े हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चों का सीबीटी पेपर भी अटका हुआ था, तो सीबीटी तो दिसंबर में लिया जा चुका है, ठीक है, सीबीटी एग्जामिनेशन जिनका जिनका भी बैक था उनका तो दिसंबर में अभी हाल फिलहाल में लिया गया, दिसंबर 2022 में लिया गया। उसके बाद सप्लीमेंट्री जिनका अप्रैल मार्च अप्रैल के टाइम में हुआ था ईडी प्रैक्टिकल, उनका वो रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ बच्चों जिनका कि सीबीटी पेपर लटका हुआ था वो तो दे चुके अब दिसंबर में, लेकिन ईडी और प्रैक्टिकल उन्होंने ऑलरेडी जो है मार्च अप्रैल के टाइम में दिया था। ऐसे कैंडिडेट्स जो भी हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का रिजल्ट बहुत ही जल्द प्रोसेस किया जाएगा, और वो डेट मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए, ये हो जाएगा पेंडिंग रिजल्ट डिक्लेयर्ड एआईटीटी मार्च 2022 वाला जो है, मार्च एग्जामिनेशन जो हुआ था आप लोग का मार्च में, जो कि आपका ईडी प्रैक्टिकल जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होने वाला है 21 तारीख को, 21 जनवरी को आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। ध्यान दीजिएगा सभी कैंडिडेट जो कि सीबीटी में, देखिए अभी जो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है दिसंबर में, उसमें दो प्रकार के लड़के हैं, दो प्रकार के, एक तो ऐसे थे जिनका कि सीबीटी में सिर्फ बैक था जिनका, ठीक है, सीबीटी कहने का मतलब ट्रेड थ्योरी हो, इंप्लॉयबिलिटी स्किल, डब्ल्यूसीएस में जिनका बैक है, और ईडी प्रैक्टिकल में जो बैक था वो ऑलरेडी दे चुके थे अप्रैल में, तो ये एक कैटेगरी का कैंडिडेट हो गया। दूसरा कैंडिडेट कैटेगरी क्या है कि सीबीटी में बैक था, उन्होंने सीबीटी दे दिया, लेकिन अभी उनका ईडी प्रैक्टिकल में भी किन्हीं किन्हीं का बैक है, ठीक है, ईडी और प्रैक्टिकल में भी बैक है, तो उनका तो भी रिजल्ट डिक्लेयर हो नहीं सकता है, तो उनका अभी ईडी और प्रैक्टिकल का शेड्यूल दिया गया, ठीक है, उनका ईडी और प्रैक्टिकल का भी शेड्यूल दिया गया, जिसके यहाँ पे देख पाइएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे ये एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल है, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इनका एग्जाम होगा अभी, ठीक है, कब से एग्जाम है, तो 6 फरवरी से, देखिए यहाँ पे 6 फरवरी से इनका पेपर होगा ईडी प्रैक्टिकल का। उसके बाद चूंकि इन्होंने सीबीटी एग्जामिनेशन दिया हुआ है,
ठीक है, सीबीटी एग्जामिनेशन इन्हें दे रखा है, ईडी प्रैक्टिकल का देंगे, उसके बाद ईडी प्रैक्टिकल का कॉपी चेक होगा, फिर जाके इनका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए मैं आपको कहा भी कि रिजल्ट दो फेज में आएगा। तो इनका रिजल्ट कब आएगा? 8 मार्च को आएगा, टेंटेटिव दिया गया है डेट। ठीक है, तो दो टाइप के रिजल्ट है यहाँ पे, दोनों पब्लिश होने वाले हैं, दोनों का डेट हमने आपको बताया है। चलिए अब यहाँ पे जो है अलग अलग ड्राइव जो है कराया गया, ये सभी चीजें लिखी गई हैं, ये छोड़िए, मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न हमारे पास बस यही है कि पोर्टल जो है फिर से ओपन किया जा रहा है। किस चीज के लिए किया जा रहा है भैया? तो देखिए यहाँ पे टाइम लाइन्स हम लोग को समझेंगे अगर, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनका कि ईडी प्लस प्रैक्टिकल का जो है रिजल्ट जो है बिल्कुल समझ में ही नहीं था कि कहाँ गया। ठीक है, तो नोडल को फिर से एक बार मौका दिया गया है कि नोडल फिर से उन बच्चों का जो है रिजल्ट को अपडेट करें। इवन आपका मार्च अप्रैल में भी जो एग्जामिनेशन जो हुआ था ईडी प्रैक्टिकल का, उसका भी कहा गया है कि जो है उन मार्क्स को एंटर किया जाए। तो देखिए वो डेट दिया गया है 6 तारीख से, 6 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। देखिए एक्टिविटी क्या है, पोर्टल ओपनिंग एट नोडल आईटीआई लेवल फॉर करेक्टिंग प्रैक्टिकल एंड ईडी स्कोर। मतलब कि नोडल आईटीआई जो होता है, जो कि आपके जिला में एक गवर्नमेंट आईटीआई जिसको ही नोडल आईटीआई कहा जाता है, तो जो भी आपकी आईटीआई है, आपका आईटीआई में एग्जाम होता है, उसके बाद फिर उन कॉपीज को भेज देता है नोडल। नोडल नोडल फिर जो है उन कॉपी को चेकअप करवा करके फिर मार्क्स सेंड करता है एसपीआई को, मतलब स्टेट को सेंड करता है। ठीक है, नोडल किसको सेंड करता है? स्टेट, जैसे कि झारखंड का रांची है, बिहार का पटना है, वो वहां पे स्टेट को भेजा जाता है। स्टेट फिर जो है क्या करता है, स्टेट उसको एनसीबीटी को भेजता है। ठीक है, एनसीबीटी वेबसाइट में जाकर आपका लोड होता है फिर। तो यहाँ पे अभी एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है कि जिनका भी ईडी और प्रैक्टिकल का मार्क्स शो नहीं हो रहा है या फिर इनकरेक्ट शो हो रहा है, उन सभी को मौका दिया गया है कि नोडल क्या करे, 6 से लेकर के 16 जनवरी तक उन सभी का, 11 दिन का मोहलत, उन सभी का मार्क्स फिर से अपलोड करे। और मार्क्स सब किनको भेजे? एसपीआई को भेजे। एसपीआई फिर क्या करेगी, उसको अपलोड करेगी। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद जब ये पूरा काम, जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगा 16 तारीख तक में, उसके बाद रिजल्ट जो है आप लोग का एनसीबीटी जो है जारी कर देगा। ये कौन सा रिजल्ट जारी करेगा, जो कि मार्च अप्रैल में आपने ईडी एग्जामिनेशन दिया था और अभी दिसंबर में जो आप सीबीटी एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है, सीबीटी एग्जाम्स दिए हैं जो, ठीक है, इन सभी का, या फिर और भी किन्हीं का अगर मान लीजिए रह रहा है, अगर ईडी प्रैक्टिकल में अगर उनका बैग था, ठीक है, सिर्फ ईडी और प्रैक्टिकल में बैग था और सीबीटी में कुछ उनका कुछ चक्कर नहीं था, सीबीटी उनका पूरा क्लियर था, ऐसे भी कैंडिडेट्स का 21 जनवरी को आ जाएगा रिजल्ट। चलिए अब यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अब आगे के कैंडिडेट जिनका कि ईडी प्रैक्टिकल में बैक है अभी, तो उनके लिए देखिए दिया गया एनसीबीटी पोर्टल पे जो है एलिजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का, ईडी और प्रैक्टिकल का सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्रिएट करने का पोर्टल खोला जाएगा एनसीबीटी द्वारा 23 से लेकर के 28 जनवरी तक। ठीक है, ये 6 दिन का यहाँ मोहलत है और यहाँ पे आईटीआई जो आपके आईटीआई है वही इनका एलिजिबिलिटी क्रिएट करेगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंटर मैपिंग होगा ईडी प्रैक्टिकल का, कहाँ कहाँ बच्चों का एग्जाम लेना है ईडी प्रैक्टिकल का, तो वो हो जाएगा सेंटर मैपिंग का काम। ये आपका स्टेट करेगा, ये आपका किसी का काम नहीं, ये आपका स्टेट का काम है, राज्य का काम है। ये देखिए यहाँ पे स्टेट डायरेक्टरेट का काम है, ये 29 से लेकर के 31 तारीख के बीच होने वाला है। उसके बाद प्रैक्टिकल और ईडी का हॉल टिकट जो जनरेट होगा, मतलब जिनका भी सप्लीमेंट्री होगा अभी, उनका 1 फरवरी को हॉल टिकट जारी होने वाला है। बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग या फिर आईटीआई कैन डाउनलोड हॉल टिकट। अब इस टाइम में आप अपना ईडी और प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, उसको आप डाउनलोड कर पाइएगा। अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या फिर ईडी एग्जामिनेशन कब से है आप लोगों का, तो 6 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक है, 6 फरवरी से 11 फरवरी, 5 दिन का होने वाला है। चलिए अब आगे बात करेंगे, तो जो एग्जाम आप दीजिएगा तो कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होने के बाद जो एग्जामिनर या फिर नोडल आईटीआई आपका मार्क्स एंट्री करेगी। कब से कब? 16 दिन का वक्त दिया गया है मार्क्स एंट्री के लिए या फिर कॉपी चॉपी चेक करने के लिए, वो सभी काम जो है नोडल पे छोड़ा जाता है। तो ये होगा काम 13 से लेकर 28 के बीच, और फिर 28 तक ये काम हो गया, फिर स्टेट को भेज देगा, स्टेट भेज देगा किसको, एनसीबीटी को, ठीक है, डीजीटी को भेज देगा। और रिजल्ट आप लोग का फाइनली कब आ जाएगा, 8 मार्च को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपडेट है। अब देखिए वही चीजें यहाँ लिखी गई है कि 6 फरवरी से ईडी प्रैक्टिकल का पेपर आप लोग का होगा। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि जो शेड्यूल है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो एनुअल प्रोग्राम है, ठीक है, AITT नवंबर 2022 टू बी हेल्ड इन मंथ ऑफ फरवरी 2023 में होगा। देखिए ट्रेनी एडमिटेड इन सेशन अगस्त 2018 एंड ऑनवर्ड्स डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग DST 2019 एंड ऑनवर्ड्स। मतलब ये जो शेड्यूल दिया गया है 2018 सेशन, ठीक है, क्या है भाई ये 2018 सेशन या उसके बाद के सेशन जो है उनके लिए ये शेड्यूल है।
समझ में आया? तो देखिए 6 तारीख को पहला दिन जो है मंडे है, और इस दिन आप लोगों का देखिए सुबह 10 बजे से इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है फर्स्ट ईयर कैंडिडेट का, ठीक है, जिनको भी फर्स्ट ईयर में बैक वो फर्स्ट ईयर का देंगे एग्जाम जाके। और दोपहर के 2:30 बजे से सेकंड ईयर का पेपर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उस पर 7 और 8 जो है डेट है, 9:30 बजे से ट्रेड प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का है, और फिर 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 फरवरी को 9:30 बजे से सेकंड ईयर का ट्रेड प्रैक्टिकल है एग्जाम, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, ईडी प्रैक्टिकल सभी का नहीं होगा यहाँ पे ईडी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 20-22 सेशन था, 2020-22 सेशन का जो सेकेंड ईयर का जो कैंडिडेट है उनका OMR हो गया था। क्या हो गया था? OMR बेस्ड, कहें तो CVT बेस्ड हो गया था इनका इंजीनियरिंग ड्राइंग, CVT बेस्ड हो गया था, ठीक है। ये कैंडिडेट्स 20-22 का सेकेंड ईयर या फिर 2021 सेशन का कैंडिडेट, ठीक है, उन सभी के लिए क्या हो गया था? सीबीटी सिस्टम हो गया था, इसीलिए उनके लिए ये टाइम टेबल लागू नहीं होगा। समझ में आया बात? उनके लिए टाइम टेबल नहीं होगा। और बाकी जितने बच्चे हैं, जितने भी 18 सेशन, 19 सेशन, 20 सेशन में फर्स्ट ईयर जो कैंडिडेट है, उन सभी का यहाँ पे आप लोगों को पेपर मिलेगा, ड्राइंग शीट मिलेगा, उसमें आपको ड्राइंग करना होगा। बात आया समझ में? ये दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं सेशंस का है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एनुअल सिस्टम का तो हमने बात किया, अब यहाँ देखिए कौन सेशन है भाई, ये आपका है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम का भी ईडी लिया जा रहा है। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खासकर सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए, जिनका की अभी बैक रह गया है, वो कितने साल से सोचिए 2016 सेशन 2017 सेशन वाले लटके हुए बच्चे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे मौका है। देखिए 6 तारीख को जो आप लोग का भी पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर का, पेपर 3 होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। फिर यहाँ पे हम इस सेशन में कौन सा बता रहा हूँ, देखिए सेमेस्टर सेशन पैटर्न कौन सा है, 2014-17, ठीक है, 2014-17, और ये 2014 से 17 मतलब 2014-16 सेशन, 2015-17 सेशन, 2016-18 सेशन, 2017-19 सेशन, इन सभी सेशन में जो है सेमेस्टर सिस्टम था, उन सभी के लिए टाइम टेबल फॉलो होगा। और ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में 16 सेशन, 17 सेशन, 18 सेशन का ये नीचे वाला फॉलो होगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोग, देखिए 6 तारीख को आप लोग का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है सुबह के 10 बजे से, और 2:30 बजे से क्या है तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, वही आपका इंजीनियरिंग ड्रॉइंग है। उसी तरह 7 तारीख को अगर जाते हैं आप 7 तारीख को देने के लिए एग्जाम, तो 4th सेमेस्टर वालों का पेपर 3 मतलब इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का पेपर है। उसके बाद 8 तारीख को आपको फर्स्ट ईयर का ट्रेड प्रैक्टिकल है, और जो है 9 तारीख को, 9 फरवरी को ट्रेड प्रैक्टिकल का पेपर है, ठीक है, सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स का। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा तो 10 फरवरी को थर्ड सेमेस्टर का, यहाँ पे मैं ईयर बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, सॉरी गाइज, ये 8 फरवरी को फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ट्रेड प्रैक्टिकल, 9 तारीख को सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है ट्रेड प्रैक्टिकल, 10 तारीख को थर्ड सेमेस्टर का है प्रैक्टिकल, ट्रेड प्रैक्टिकल, और 11 तारीख को फोर्थ सेमेस्टर का है ट्रेड प्रैक्टिकल। आया बात समझ में? तो ये आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है, जहाँ ड्यूअल सिस्टम है वहाँ पे ये चलेगा, लेकिन जहाँ ड्यूअल सिस्टम नहीं है वहाँ पे 2014-15 सेशन मतलब कि 1 ईयर ट्रेड वाला, या फिर 2014-16 सेशन इलेक्ट्रिशियन फिटर सब जो 2 ईयर कोर्स वाला है, या फिर 14 के बाद 15 सेशन, 15-17, या फिर 16-18, या फिर 17-19 सेशन, इन सभी के लिए ये फॉलो कर। सेमेस्टर का भी शेड्यूल दिया गया है, और यहाँ पे एनुअल का भी शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, और रिजल्ट्स कब आएगा उसके बारे में बता दिए, ठीक है, सेंटर मैपिंग वगैरह कब होगा वो भी बता दिए, जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है रिजल्ट उनका कब आएगा वो भी हम बता दिए। तो एक एक लाइन बाय लाइन इन चीज़ों को मैंने क्लियर किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना आपसे हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है भाई, बिल्कुल लाइक कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक की वीडियो डेड कर जाता है, आप बात को समझिए, ठीक है। और इतना मेहनत से अगर कोई आपको अपडेट दे रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कम से कम कि उसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ, जो भी इसमें फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।